तो हेलो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने सैमसंग के फ़ोन को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, तो वो भी बिना कोई डाटा डिलीट हुए, ना ही आपकी कोई सेटिंग चेंज होगी। जो आपने सेटिंग में की होगी वो कुछ भी चेंज नहीं होगा गाइस, आपका फ़ोन एकदम बिल्कुल क्लियरली फॉर्मेट हो जाएगा, एकदम फुल फॉर्मेट, और आपका फ़ोन एकदम स्मूथ चलने लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको क्या करना होगा कि पहले आपको फ़ोन में अपना एक सैमसंग स्मार्ट स्विच नाम का एक एप्लीकेशन आता है, उसको आपको पहले इंस्टॉल कर लेना होगा फ़ोन में। उसके बाद आपको इसका बैकअप लेना होगा, लैपटॉप हो या फिर पीसी हो, तो उसमें आपको ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, स्मार्ट स्विच वाला, जैसे कि आपने फ़ोन में इंस्टॉल किया था। तो ये वाला एप्लीकेशन हमको ब्राउज़र पर मिल जाएगा, तो ब्राउज़र से हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। हमको ब्राउज़र से डाउनलोड करने के लिए वहाँ पे लिखना होगा ब्राउज़र में सैमसंग स्मार्ट स्विच। उसके बाद हमको नीचे आना होगा फर्स्ट वाले वेबसाइट को ओपन करके। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिख जाएंगे यहाँ पे, और मुझे करना है विंडोज़ में, तो मैं विंडोज़ पे वहाँ पर क्लिक करूँगा। तो उसके बाद हमारा विंडोज़ पर आप जैसे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा साइड में कॉर्नर पर, यहाँ पर डाउनलोड होते हो, ज़्यादा एमबी का नहीं है, 40 से 50 एमबी का ही एप्लीकेशन। उसके बाद आपको इसको रन करा के ओपन करना है। तो गाइस, हमको रन कराने के लिए यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करना होगा, एप्लीकेशन के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखा है रन, रन कराने का यहाँ पे लिखा है रन टू एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस पर ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। तो इसको क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे खुल रहा है। उसके बाद आपको नो नहीं करना है, यहाँ पे येस करना है। येस येस करने के बाद यहाँ पे आपको दूसरा पेज ओपन मिलेगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपना रन का ऑप्शन सारा ले लेगा। और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, रुक। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे दो टिक का ऑप्शन आएगा, तो इसको यहाँ पे टिक कर देना है, इसको यहाँ पे ये वाला, और नीचे यहाँ पे भी एक्सेप्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे सारा ऑटोमेटिक ये सब कुछ अपना रन कर लेगा, थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, इसको आपका जैसा पीसी डिवाइस हो वैसे के हिसाब से ये रन होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दोनों टिक वाला ऑप्शन टिक ही रहने देना, उसके बाद उसको कुछ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको यहाँ पे फ़ोन अपना कनेक्ट करना होगा। तो मैंने अपना यहाँ पे डाटा केबल से, पीसी से और फ़ोन को डाटा केबल से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको फ़ोन को कुछ भी नहीं करना, बस फ़ोन को डाटा केबल से कनेक्ट करके वहाँ पर रख देना। उसके बाद आपको क्या करना है, बैकअप लेना है, फ़ोन को फॉर्मेट करने के लिए बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने के लिए यहाँ पे बैकअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे ध्यान रखना कि डाटा केबल लगाने के बाद आपको फ़ोन में कोई काम नहीं करना, बस उसको यस करके, जो डाटा उसका होता है ना, उसको बस पीसी में ट्रांसफ़र करने वाला यस कर देना। उसके बाद सारा काम पीसी से होगा, और ये एप्लीकेशन जो स्मार्ट स्विच का एप्लीकेशन है, ये पीसी में और फ़ोन में दोनों में ओपन होना चाहिए। तो उसके बाद आपको जो यहाँ से बैकअप लेना होगा डाटा, उसको आपको यहाँ पे टिक कर देना, जिसका डाटा बैकअप नहीं लेना है उसको छोड़ देना। तो मैं को जो जो डाटा इसको बैकअप लेना है मैं वहाँ पे ले लेता हूँ, वीडियो सॉन्ग ऑडियो ये सब का। उसके बाद आपको जो डाटा बैकअप नहीं लेना है उसको मत लेना, और आपको सेटिंग का बैकअप लेना, जो आपने सब सेटिंग किया है उसको टिक जरूर से कर देना। ऐप का बैकअप चाहिए तो ऐप ले लेना, और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, बैकअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं अपना फटाफट से सब सिलेक्ट करके उसके बाद आपको बताता हूँ आगे। तो गाइस, मैंने अपना सारा कुछ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बैकअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको जो बैकअप आपने किया था सब कुछ, अपने फाइल वाइल सब कुछ जो, तो यहाँ पे बैकअप होना चालू हो जाएगा। तो गाइस, इसमें आपको मिनिमम कम से कम 30 मिनट का टाइम लग सकता है, जैसे आपका डिवाइस हो और केबल आपका जैसे फास्ट होता है वैसे ये काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम ही लगता है। तो गाइस, आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कम से कम आपको 30 मिनट का टाइम यहाँ पे लगेगा। तो मैं यहाँ पे जब बैकअप हो जाता है उसके बाद आपको गाइस दिखाता हूँ। तो गाइस, मेरा यहाँ पे बैकअप होने ही वाला है, तो 95% हो चुका है और 96% भी हो गया। तो गाइस, मेरा थोड़ा टाइम और लगेगा, उसके बाद मेरा बैकअप हो चुका है। गाइस, यहाँ पे मेरा बैकअप हो चुका है, सब कुछ यस लिख चुका है, और इसको आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना फ़ोन फॉर्मेट कर देना है। तो आपको जितना फुल फॉर्मेट करना है तो आपको उसके बाद अपना फ़ोन फॉर्मेट कर देना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन ने जो डाटा बैकअप किया है वो गाइस आपको डिलीट विलीट कुछ भी नहीं करना है, जैसे उसे छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना फ़ोन फॉर्मेट करने के बाद जिस चीज़ का आपने जो बैकअप नहीं लिया है, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है उसका बैकअप आपने नहीं लिया है, जैसे कि आपका व्हाट्सएप का बैकअप लेना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसमें आपका डाटा कोई आता नहीं है, आपको सब कुछ व्हाट्सएप का डाटा क्या करना होता है, जीमेल पे सेव करना होता है। तो
तो आपने जैसे कि वो सब कुछ नहीं लिया होगा बैकअप, उसको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से सब कुछ पहले डाउनलोड करके उसके बाद आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको उसके बाद एक बार अपना फ़ोन रीस्टार्ट कर लेना होगा। रीस्टार्ट गाइस आप नहीं करेंगे तो कभी कभार, मेरे फ़ोन में भी नहीं हुआ था, रीस्टोर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया अपना फ़ोन रीस्टार्ट करके उसके बाद अपना फ़ोन फिर से आपको डाटा केबल से कनेक्ट करना है। तो डाटा केबल से कनेक्ट करने के बाद आपको गाइस देखना, जब आपका फ़ोन फॉर्मेट हो तो वहाँ पे भी एक बैकअप का ऑप्शन आएगा, लेकिन उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। आपको सीधे अपने फ़ोन फॉर्मेट हो जाने के बाद आपको सीधे अपने होम पेज पे आके उसके बाद जो स्मार्ट स्विच का एप्लीकेशन था उसको ओपन करके उसके बाद आपको अपने पीसी से उसको कनेक्ट करना है। उसके बाद कनेक्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ गाइस। तो गाइस मेरा भी यहाँ पे लिख रहा था कुड नॉट डिवाइस कनेक्टेड स्टार्टेड, यहाँ का ऑप्शन आ रहा था बार बार, तो मैंने भी अपना फ़ोन रीस्टार्ट करके उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से कनेक्ट करके उसके बाद आपको वहाँ पे एक रीस्टोर का बगल में ऑप्शन आया होगा रीस्टोर का, उस पर बस आपको एक बार क्लिक कर देना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद ऑटोमेटिक सब कुछ आपका रीस्टोर हो जाएगा और आपके फ़ोन में जब पूरा सब कुछ डाटा रीस्टोर हो जाएगा तो आपके फ़ोन में मिनिमम 1 घंटा लगेगा आपको। ऑटोमेटिक आपका फ़ोन जो होता है वो ऑटोमेटिक अपना सब कुछ सेटिंग जैसे आपने पहले किया था सब कुछ वैसे ही हो जाएगा रीस्टोर करने के बाद। तो गाइज़ मेरा यहाँ पे हो रहा है रीस्टोर, सब कुछ म्यूजिक सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत ही नॉलेज मिला होगा कि आपको फ़ोन फॉर्मेट कैसे करना है अपना सैमसंग का। तो गाइज़ मैंने ये सिर्फ सैमसंग का ही बताया था, सैमसंग के ही ये स्मार्ट स्विच जो होता है, बाय द वे मुझे और फ़ोन का नहीं पता। आपको और किसी फ़ोन का चाहिए वीवो ओप्पो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी ट्यूटोरियल वीडियो एक डाल दूंगा, तो आप उससे अपना फ़ोन फॉर्मेट कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जोर से कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।